हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। पहले तो आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल का एक न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे PBS वर्सेस KBE 11 के बीच में जो मैच होने वाला है इसके बारे में। कारियाकल वेटरन्स वर्सेस पांडिचेरी वेटरन्स के बीच में जो मैच होने वाला है पांडिचेरी वेटरन्स T20 का, इसका फुल इन्फॉर्मेशन देंगे भाई। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, फुल इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको विनिंग का भाई इतना इन्फॉर्मेशन देंगे, वीडियो स्किप मत करना। तो आपको विनिंग तो 99% मिल जाएगा, क्योंकि हम डेली जितना भी मैच खेलते हैं उनमें से हर एक मैच में विन करता है, हर एक मैच में डेली हर एक मैच में विन करता है। टेस्टेड होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इतना ही बस है। तो क्या करते हैं हम ज़्यादा हेड टू हेड कंटेस्ट खेलते हैं, और आप लोगों को पता है हेड टू हेड कंटेस्ट का विनिंग चांस कितना होता है भाई। सीरियसली बोल रहे हैं, हम डेली हर एक कंटेस्ट विन करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसी जगह ज्वाइन हो जाना। मैं अभी लास्ट में आप लोगों को एक टीम देने वाला, उसी टीम से आप लोगों को ज्वाइन होना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो अभी जो बात करने वाला है KBE 11 के बीच में जो मैच होने वाला है, लास्ट 5 दिन मास लास्ट एक मैच हुआ था कि इस दोनों के बीच में एक मैच भी हुआ था, उसका स्टेटस देंगे हम जो भी हुआ था भाई, फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आप लोग वीडियो देखते हो भाई मोटिवेट भी नहीं करते हो। चलो हो सके तो एक लाइक कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना। तो PBS का टीम देख सकते हो, 121 रन बना के 20 ओवर में 8 विकेट गवा दिया। उसी दूसरी तरफ से KBE 11 की टीम 123 रन कर दिया 18.3 ओवर में, तो मैच विन कर लिए। ये लॉस किया और KBE 11 विन किया। तो अभी जो लास्ट मैच का प्लेइंग 11 जो भी था भाई दिखाएंगे हम, लास्ट मैच में टेस्टेड करके टीम बनाते हैं। और भाई आप लोगों को पता है भाई, जो भी मेरा सब्सक्राइबर उन लोगों को पता है कैसे विन करते हैं, डेली विन करते हैं भाई, हर एक मैच में विन करते हैं। तो ठीक है, अभी बात करेंगे KBE 11 का जो प्लेइंग 11 रहने वाला है उसके बारे में। तो KBE 11 का ओपनिंग में आने वाला है पी माधवन, उसके बाद आर सेंथिल, उसके बाद डी पानेश सेल्वम, उसके बाद आने वाला है 22 रन किया, दोनों कोई भी एक रन नहीं कर पाया ठीक से। उसके बाद नादाने ने आके 15 रन का पारी खेला, एक थोड़ा बहुत खेल लिया। उसके बाद आके चेक ने आके 33 रन का पारी खेला। भाई इन लोगों का जो मैच विन किया ना, बहुत टाफ से विन कर लिया, देखो कितना विकेट गवा दिया उन लोगों ने भी। तो उसके बाद आने पांजा मूर्ति ने 5 रन किया, उसके बाद कारुप्पा सामी ने 1 रन किया, उसके बाद माथिया जालगन ने 20 रन का पारी खेला, कार्तिकेयन ने 2 रन का पारी खेला, जयासल ने 9 रन का पारी खेला। तो ये KBE 11 का प्लेइंग 11 था। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट कर ले सकते हो, आप लोगों को ग्रैंड लीग तैयार करने में अपने आप से एक मदद मिल सकती है। तो तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, ये इनका KBE 11 का प्लेइंग 11 है। इसी तरीके से बैटिंग करने वाला है इन लोग, तो कौन कितना रन किया वो भी आप लोगों को देख सकते हो, कौन कितना रन किया वो भी देख सकते हो, कितना बॉल में कितना किया पूरा देख सकते हो। स्क्रीनशॉट कर लेना, आप लोगों को ग्रैंड लीग तैयार करने में मदद मिल जाएगी। तो KBE 11 का जो बॉलिंग ऑर्डर रहने वाला है वो भी दिखा देते। KBE 11 का जो बॉलिंग ऑर्डर रहने वाला है वो ये रहने वाला है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेके ले सकते हो, कौन कितना विकेट लिया आप भी देख सकते हो। ओली नादाने ने 3 ओवर करके भाई 4 विकेट ले लिया, 24 रन करके 8 के एवरेज से रन दिया, तो 4 विकेट ले लिया उसी। और हाजा चेक को यूसुफ को भाई 4 ओवर करके 2 विकेट लिया, डी पांजामूर्ति ने 2 विकेट लिया, और किसी को विकेट नहीं मिला। तो कौन कितना विकेट क्या लिया आप लोग स्क्रीनशॉट करके ले सकते हो, ये KBE 11 का है। और जो PBS का अभी बात करेंगे PBS के बारे में, PBS का जो प्लेइंग 11 नंबर होने वाला है, कार्तिक ने आके 19 रन का पारी खेला, उसके कार्तिकेयन ने 25 रन का पारी खेला, रमेश ने 10 रन का पारी खेला, उसके बाद गोपाल कृष्णा ने 25 का पारी खेला, उसके बाद भी चंद्रन ने 2 रन का पारी खेला, उसके बाद आके टानी जाइया रस ने 7 रन का पारी खेला। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को इतना स्टेटस देखने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है भाई। आप लोगों को अगर विन करना है एक ड्रीम इलेवन पे या कोई भी फैंटेसी ऐप पे विन करना है ना भाई, आप लोगों को क्या करना है,
अब लोगों को बुलाना हेड टू हेड कॉन्टेस्ट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। कोई भी फैंटेसी अब जो भी खेलता है ना भाई, मेरे को पता है 80-90% लोगों का हर टाइम लॉस में रहता है। 90% लोग भाई लॉस पे रहता है। अब लोगों को प्रॉफिट या लॉस रिकवर करना चाहते हो भाई, जरूर ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे हिट टू के टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को टीम दे देंगे। अभी तो कुछ दिन अपडेट नहीं थे, अभी बिल्कुल यूट्यूब पर हम अपडेट हैं, टीम दे देंगे भाई। आप लोगों को जो करना है, आप लोगों को भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना है, और जो टीम देने वाला है उसी कैप्टन उसी वाइस कैप्टन से ज्वाइन हो जाना है। आप लोगों को इतना स्टेट्स का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, डेली विन कर सकते। थोड़ा बहुत कम होगा आपका जो प्रॉफिट कम हो सकता है, अगर तीन मेंबर से हेड टू हेड में थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन भाई ठीक है भाई, ये हेड टू हेड खेलो भाई, डेली विन करो। चलो ठीक है, PBS का ये प्लेइंग इलेवन रहने वाला है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, कौन कितना रन किया वो भी देख सकते हो। आप लोगों को ग्रैंड लीग तैयार करने में मदद मिल जाएगा। तो PBS ने टोटल 121 का रन पारी खेला ये प्लेइंग इलेवन लेके, लेकिन हार गया। लेकिन आज का टीम पता नहीं, क्योंकि इन लोगों ने भी देखो 8 विकेट कमा के 23 रन किया, तो इनका भी टीम उतना भी स्ट्रांग नहीं है। किसी की अभी स्ट्रांग नहीं है, किसी की अभी वीक भी नहीं है किसी की टीम। तो अभी बात करेंगे PBS का जो बॉलिंग अटर रहने वाला है, वो PBS का बॉलिंग अटर ये रहने वाला है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, कौन कितना विकेट किया लिया, कौन कितना ओवर किया। तो गोपाल कृष्णन ने 4 ओवर करके 2 विकेट लिया, रमेश ने 4 ओवर करके 1 विकेट लिया, मार्टिन बालू बेन तेरू ने 3 ओवर करके 2 विकेट लिया, उसके बाद कार्थिक नारायण वो 2 विकेट लिया, उसके बाद मारियप्पा पायन ने 1 विकेट लिया 3 ओवर करके। तो इनका जो बॉलिंग ऑर्डर वो भी दिखा दिया हम, जो भाई इतना आप लोगों को स्ट्रेस लेंगे कि कुछ भी ज़रूरत नहीं है भाई, टेस्ट करके देखो अभी जो बता रहे हैं हम, छोड़ो। तो PBS का अभी टीम आ गया, अभी जो भी आप लोग खेलते हो तो अभी जाके क्या करना है आप लोगों को, अभी जो है जो टीम मिलने वाला है, ये टीम दी है आप लोगों को, ये जो टीम आप लोगों को दिखाई देगा अभी, इसी इलेवन प्लेयर कोई भी चेंजेस मत करो, और इसी इलेवन प्लेयर पे जाके टीम सेव करके आप इन्वेस्ट ओनली हेड टू हेड कॉन्टेस्ट पर और टेस्ट करके देखो, इसी मैच में भाई विन करा देंगे, 100% विन करा देंगे, ट्रस्टेड करके देखो। तो आप लोगों को हेड टू हेड कॉन्टेस्ट पे ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे जो आ जाएगा, सिलेक्टेड वाइज ही रखेंगे, 2-1 प्लेयर को चेंज कर देंगे विनिंग के लिए। तो भाई ट्रस्टेड करके देखो, हम विन करा देंगे आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना। इसी इलेवन प्लेयर को रखना है आप लोगों को, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, रख के सेव करके आप इन्वेस्ट करो, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को फाइनल टीम मिल जाएगा, उसी टीम से आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, और उसी टीम से आप लोगों को कोई भी चेंजेस नहीं करना है, वही उसी कैप्टन उसी वाइस कैप्टन से ज्वाइन करना है आप लोगों को। चलो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और हो सके क्या यार, आप लोगों से आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट कर दिया करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करना और एक लाइक कर दिया करो भाई, सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो यार, मोटिवेट हो जाते हम लोग हमका जो अपने आप से। चलो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, लव यू ऑल, बाय। और जो बोला इसी टीम से ज्वाइन करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल का टीम से।